अल्लाह मियाँ से मिलने जा रहे थे, अल्लाह मियाँ ने अपने पास चलो ड्राइवर। इसकी माँ का एक्सक्यूज मी व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से? बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा तुमने। चल पड़े बेरहमी को सबसे ज्यादा वो वक्त रोया था मोहब्बत के आसमान ने अपने दो सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये दो सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे, शायद ही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद 29 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। इरफान खान की इस खबर के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान लंदन भी गए थे। करीब साल भर इलाज के बाद वह वापस भारत लौटे थे। इस बीमारी के कारण इरफान खान बॉलीवुड से काफ़ी दिनों तक दूरी भी बनाए रहे। हालांकि बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी की थी। इरफान खान एक बेहतरीन एक्टर के रूप में हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे।